नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुरक्षा के घेरे में गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में तलाशी, 5000 पुलिसकर्मी तैनात, भारी मात्रा में नकदी मिली, प्रतिबंधित नोट भी मिले। विमानन मंत्री गजपत राजू ने कहा, विमान में अभद्र व्यवहार किया तो लग सकता है आजीवन प्रतिबंध। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की कार कंपनियों को चेतावनी, बेकार हो जाएंगी पेट्रोल डीजल कारें, वैकल्पिक ईंधन की ओर रुख करें कंपनियां। लेफ्टिनेंट जनरल डी अंबू ने कहा, पीओके में आतंकी शिविरों की संख्या बढ़ी, 475 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। गौरी लंकेश हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का सवाल, संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पर क्यों चुप रहते हैं बुद्धिजीवी। यूपी की योगी सरकार का फैसला, गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर होगा कानपुर हवाई अड्डा, पनकी रेलवे स्टेशन का नाम होगा पनकी धाम। विधान परिषद उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव निर्विरोध निर्वाचित। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या, शरीर पर घाव के कई निशान, घटना स्थल से चाकू भी मिला। अमेरिका की संघीय अदालत का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका, शरणार्थियों के अमेरिका आने पर नहीं लगेगी रोक। आतंकी हाफिज सईद के मंसूबों पर फिरा पानी, पाक चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी को मान्यता देने से किया इनकार। अमेरिका के वर्जिन द्वीप में इरमा का कहर, 4 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।